दोस्तों, आज हम आपको प्लास्टर करने का वो तरीका बताएंगे जिससे आप प्लास्टर बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से और बिल्कुल सही तरीके से प्लास्टर कर पाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल मिस्त्री और टेक्निकल मिस्त्री में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको प्लास्टर का जो तरीका बताने जा रहे हैं तो वीडियो को ज़रा ध्यान से देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत ही ज़्यादा काम लगने वाली है। यदि इस वीडियो को आप स्किप कर देते हो तो इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें आपसे छूट सकती है। और दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, चलो आप ये जो लाइन देख रहे हैं, और एक लाइन नीचे है और ये दो लाइन आपकी साइड में है, एक यहाँ पर है और एक हमने उस साइड है। तो दोस्तों, दोनों तरफ हमने ये लाइन जो खड़ी की दिख रही है, ये हमने सॉल इसमें सबसे पहले सॉल लगाई है। इन दोनों पट्टियों में हमने बिल्कुल सही तरीके से सॉल लगाई है। आपने भी बिल्कुल सही तरीके से सॉल लगानी है और फिर नीचे से इसको इस तरह से क्रॉस कर देनी है। तो दोस्तों, इससे क्या होगा, आपकी जो खड़े की जो फंटियां हैं, इससे आपका प्लास्टर बिल्कुल सॉल में हो जाएगा और जो आपने क्रॉस फंटी मारी है इससे आपका प्लास्टर लेवल में चले जाएगा। और दोस्तों, ये फंटी हमने खिड़की की दोनों साइड इसलिए ली है, ये भी हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, इस खिड़की के साइड को फंटी लेने का मेन कारण हमारा ये भी है, जिससे आप लोग जब प्लास्टर करते हो तो जो इसकी धारें होती हैं सबकी एक बराबर बने, तभी ऐसा होता है कि एक तरह से प्लास्टर मोटा हो जाता है, एक तरह से पतला हो जाता है। तो दोस्तों, इस चीज़ का आपने ध्यान देना है, जहाँ पर भी आपकी खिड़की या दरवाज़ा हो वहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको जाँच लें कि हमारी फंटी बिल्कुल सही तरीके से लग रही है या नहीं लग रही है। और आप सॉल लगाते हो तो बाकी काम हमारी सॉल कर देती है उसका लेवल करने का। और दोस्तों, इससे पहले मैं आपको ये चीज़ और कहना चाहूँगा, यदि आपकी चौखट विंडो सॉल पर नहीं होती तब ये तरीका आपके लिए, प्लास्टर तो सॉल पे आएगा लेकिन धार में थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है। तो ये चीज़ में आपने घबरा नहीं है, आपने अपना प्लास्टर सॉल पे लेना है। यदि 19-20 हमारी जो धार होती है कम ज़्यादा चौड़ी दिखती है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम चौखटे बनाते हैं तो थोड़ा बहुत उसमें ऐंठन आ जाती है, तो उस वजह से भी ये थोड़ा सा आप चौखट को सॉल पे लगाते हो या विंडो को सॉल पे लगाते हो तो ये यदि इसमें ऐंठन होगी तो आप सेंटर से सॉल लगाते हो चौखट को खड़ी कर देते हो, या विंडो के सेंटर में सॉल लगाते हो तो विंडो को खड़ी कर देते हो। तो दोस्तों, वैसे चौखट के तो डंडों में सॉल लगती है, पर खिड़की के आप सेंटर में ही सॉल लगाते हैं यदि आपकी खिड़की तिरछी हो। तो दोस्तों, चलो ये खिड़की का मैटर तो हम आपको बाद में बताएंगे, फिलहाल प्लास्टर की ओर चलते हैं। तो प्लास्टर को दोस्तों उस फंटी की सहायता से बिल्कुल सही तरह से काटने के बाद आपने ये सुमादा लेना है। इसे हम सुमादा कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, इस सुमादे के बाद आपने छोटा रूसा लेना है और उसके सहायता से इसके बारीक बारीक छेद बंद कर देने हैं ताकि आपका प्लास्टर बिल्कुल सही आए। दोस्तों, यदि आपको वीडियो कुछ पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों, प्लास्टर हमारा कम्प्लीट हो चुका है, अब चलते हैं दूसरे प्रोसीजर में। दोस्तों, अब धार बनाने का प्रोसीजर। दोस्तों, यूँ तो धार बनाने के लिए बहुत से मिस्त्री दूसरे लेबर को खड़े करके उसे धार पकड़वाते हैं, या मिस्त्री खुद अकेले भी बनाते हैं तो एक एक तरफ की धार बनाते हैं। तो दोस्तों, इससे थोड़ा बहुत एक तो टाइम की आपकी जो बचत है वो नहीं हो पाती, आपका समय ज़्यादा लगता है और धार में थोड़ा बहुत कमी रहने के चांसेस भी रह जाते हैं। यदि आप लेबर से पकड़ाते हो तो लेबर कभी फंटे को हिला देती है, कभी कुछ, बहुत सी चीज़ें इसमें आ सकती है। पर दोस्तों, आज हम आपको एक नया तरीका लेके आए हैं। वैसे तो हमने पिछली वीडियो में भी आपको इस बात को बताई है कि ये जो धार बनाई जाती है कड़ों की सहायता से कैसे बनाई जाती है, और इसके जो रिंग बनाई है हमने ये किस तरह से बनते हैं इस पर भी हमने वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, आपने क्या करना होता है, जब ये रिंग बनाते हैं, रिंग बनाने के लिए आपको दो सूत का सरिया लेना होता है, और जो दो सूत का सरिया होता है उसको जिस तरह से हमने इसको डिज़ाइन किया है बस आपने इसी तरीके से डिज़ाइन करना है, और जितना मर्जी टाइट करना है, ढीला करना है, आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। और ये रिमूवेबल है, ऊपर नीचे कहीं भी घुमा सकते हैं, इससे आपकी फंटी बिल्कुल नहीं हिलेगी। और दोस्तों, जब आप इस कड़ों की सहायता से सॉल्व करके आप धारे बनाते हो तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से साफ़ सुथरी धार बना पाओगे। तो दोस्तों, देखें धार कितनी अच्छी लग रही है, फ़िलहाल तो अभी हमने इसे कड़े हटाने हैं, पर आप देख रहे हैं कि बिल्कुल फंटी नहीं हिल रही, लेबर हमारा बिल्कुल आराम से खड़ा है, उसको भी बिल्कुल परेशानी नहीं है, नहीं तो कभी कभी लेबर इसे परेशान होकर थक जाती है। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम वीडियो को पूरी करते हैं। और दोस्तों, हमारी इस चैनल में काफ़ी वीडियो है, टाइल पत्थर से रिलेटेड है और भी काफ़ी वीडियो है, चाहो तो आप एक बार उन्हें भी ज़रूर देख लेना। यदि दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो मैं फिर आपसे कहता हूँ कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और काफ़ी दोस्तों के लिए भी काम वीडियो लग सकती है, इसलिए शेयर जो आप जरूर करना। यदि आप उल्टी धार बनाते हो, खड़े की धार बनाते हो, कैसी धार बनाते हो, दोस्तों इस तरीके को आप ज़रूर आजमाएँ,
तो चलें दोस्तों देखते हैं नीचे ऊपर से कैसी दिख रही है। देखो दोस्तों एक रिंग नीचे लगा है, एक ऊपर लगा है। बस आपने इसी तरीके से दो रिंग बनाने हैं और आपको इस तरह से साउल की सहायता से फंटी को खड़ी करनी है और अपना धार कोर का कार्यक्रम चालू करना है। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आए तो फिर लाइक जरूर करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि दोस्तों आप भी कह रहे होंगे बार बार क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों मैं चाहता हूँ कि कोई भी मिस्त्री परेशान ना रहे, हर मिस्त्री का जो काम है उसे आसानी से और जल्दी से जल्दी कर पाए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।